बेगूसराय का लाल ऋषि रंजन सिंह जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में लैंड माइंस विस्फोट में शहीद हो गए। ऋषि रंजन सिंह आर्मी में लेफ्टिनेंट थे। बेगूसराय शहर के वार्ड नंबर 16 पिपरा के रहने वाले राजीव रंजन सिंह के इकलौते पुत्र लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन कुमार के शहीद होने की खबर के बाद इलाके में शोक की लहर है। आपको बता दें कि ऋषि रंजन सिंह मूल निवासी लखीसराय जिले के पिपरिया के रहने वाले थे। ऋषि रंजन सिंह के शहीद होने की खबर की पुष्टि शनिवार की शाम 6 बजे सेना के द्वारा घर के सदस्य को फोन कर दी गई। घटना की खबर सुनते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया। लेफ्टिनेंट ऋषि की मां का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की खबर सुनकर आसपास के लोग और उनके जानने वाले उनके घर पहुंचकर मां पिताजी को ढांढस बंधा रहे हैं। 6 माह पूर्व ऋषि सेना में ज्वाइन किया था और 1 महीने पहले ही जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी। शहीद ऋषि एक भाई और 2 बहन थे। शहीद की बड़ी बहन और बहनोई भी सेना में है। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि की छोटी बहन की शादी 29 नवंबर को तय थी और ऋषि 22 नवंबर को छुट्टी में घर आने वाला था। ऋषि के शहीद होने पर उनके मामा सुदर्शन सिंह ने कहा कि सेना मुख्यालय से घर में फोन कर ऋषि के शहीद होने की जानकारी दी गई है। 2 भाइयों के परिवार में घर का इकलौता चिराग ऋषि था। उसके जाने से घर वाले काफ़ी दुखी हैं, लेकिन गर्व भी है। देश की रक्षा में ऋषि की शहादत हुई है। कहे जो हमको फ़ोन आया, ही हैज लॉस्ट, कर्नल फ़ोन किया और कोई बात नहीं। उस सेना के कोई पदाधिकारी मेरे बहनोई को फ़ोन किया कि इस तरह की घटना घट गई है। सिर्फ इतनी जानकारी मिली है, कोई ज़्यादा डिटेल वहाँ से अभी तक नहीं आया है। बताया गया कि शहीद हो गया, बस इतने बताया गया है, बाकी कुछ डिटेल नहीं बताया गया है। और मेरी बड़ी बहन का ये लड़का था, एक ही भाई है, शादी भी इसकी नहीं हुई थी। इसके बहन की शादी 29 नवंबर को होना था, इसको भी उसमें आना था। दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि आज ये शहीद हो गया। हम लोगों के लिए तो विपत्ति का पहाड़ है, लेकिन देश के लिए शहीद हुआ है, यह भी एक गौरवशाली बात है। और क्या कहें, अभी कुछ इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। कुछ नहीं जानते हैं अभी तक कि आगे क्या होगा, कब आएगा। सरकारी स्तर पर कोई अभी तक कुछ सूचना ज़्यादा नहीं मिली है आधिकारिक रूप से। किस तरह का लड़का था बचपन से? लड़का तो आप अगर उसकी तस्वीर देखेंगे तो आपको भी मतलब रोना आएगा उसका चेहरा देख करके। इतना मैंने शालीन और इतना प्रतिभाशाली लड़का था और समाज का एक समझिए कि चिराग था वो मेरे घर का, लेकिन आज रहा नहीं। इसका बेहद मलाल है, लेकिन चूँकि सेना में था, सोच समझ करके ही नौकरी लोग करते हैं सेना में, तो देश के लिए शहीद हुआ है, गौरवशाली बात है। यह देश के लिए शहीद होना भी एक माने रखता है। हमारी तो अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए गौरवशाली बात है। क्या बोलें इससे ज़्यादा? नहीं तो घर पे आने के बाद जानकारी मिली है वहाँ से। क्या बताया गया था जानकारी कि वहाँ वो भी शहीद हो गया है, कोई लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है उसी में। किस तरह का लड़का था, कहाँ पोस्टेड था, कैसे? वो घर का अकेला लड़का था, दोनों भाई में एकमात्र वही घर का चिराग था। सब कुछ बर्बाद हो गया, परिवार वीरान हो गया।